विंध के पार कर्नाटक की धरती पर चुनावी रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक पंडित भी कर्नाटक में चल रहे घमासान पर टकटकी लगाए बैठे हैं। पारंपरिक तौर पर कर्नाटक राष्ट्रीय माहौल के उलट जनादेश देता रहा है। 70 के दशक के उत्तरार्ध में जब पूरा देश जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के रथ पर सवार था, तब कर्नाटक ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए इंदिरा को संजीवनी दी थी और चिकमंगलूर के उपचुनाव में इंदिरम्मा को जीत का तोहफा दे उनकी दिल्ली की वापसी के सफर का रास्ता खोला था। 80 के मध्य में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर पर सवार राजीव गांधी को पूरे देश से 2/3 बहुमत का आंकड़ा मिला था, तब कर्नाटक ने रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी में अपना भरोसा जताया था। 80 के उत्तरार्ध में जब राजीव गांधी दिल्ली में वीपी सिंह की बगावत से जूझ रहे थे और दिल्ली उनके लिए दूर की कौड़ी होती जा रही थी, उस वक्त कर्नाटक ने एक बार फिर राष्ट्रीय माहौल के विपरीत कांग्रेस को 2/3 बहुमत का तोहफा दिया था। कारगिल युद्ध में जीत के घोड़े पर सवार 99 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए को कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ी थी और एसएम कृष्णा के नेतृत्व में कांग्रेस पर राज्य के मतदाताओं ने भरोसा जताया था। उसी तरह 2004 और 9 में जब कांग्रेस पूरे देश में वापसी का सफर तय कर रही थी, कर्नाटक में कांग्रेस को लगातार 2 चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में न केवल राष्ट्रीय माहौल के विपरीत जनादेश आया और भाजपा सत्ता में आई, बल्कि विंध्य के पार दक्षिण भारत में पहली बार किसी राज्य में कमल को खिलने में सफलता मिली। वो कलिगा बहुल राज्य के पुराने मैसूर इलाके में जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, पिछले चुनाव में भाजपा ने इन इलाकों में खासी बढ़त बनाई थी। 115 विधानसभा सीटों वाली इस इलाके में राजधानी बेंगलोर सहित कुल 14 जिले हैं। पुराने मैसूर के दक्षिणी इलाकों में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सेकुलर का भी खासा प्रभाव है। पुराने मैसूर के उत्तरी इलाकों में वीएस येदुरप्पा का खासा प्रभाव है, लिहाजा इन 115 सीटों पर इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। धारवाड़ से लेकर बेलगाम वाले इलाके को बॉम्बे कर्नाटक इलाका कहा जाता है, जहां विधानसभा की कुल 56 सीटें हैं जो 7 जिलों में बटी हैं। लिंगायत बहुल इस इलाके में वीएस येदुरप्पा इस बार क्या गुल खिलाएंगे, इस पर होगी सबकी नजर। हैदराबाद कर्नाटक इलाके में भी मुकाबला दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच ही होगा। 6 जिलों में फैले इस इलाके में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। येदुरप्पा का भी इन इलाकों में खासा प्रभाव है। दक्षिण कन्नड़ की मैंगलोर और उडुपी जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछली बार भाजपा ने कांग्रेस से 3 सीटों की बढ़त बनाई थी। राज्य की सबसे समृद्ध और शिक्षित माने जाने वाले इस इलाके में इस बार भी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के ही बीच मानी जा रही है। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर ने कई सीटों पर कांग्रेस के हारने की पटकथा लिखी थी। साथ ही पिछली बार राज्य में भाजपा की जीत को चुनावी विश्लेषक वीएस येदुरप्पा के व्यक्तित्व और आरएसएस के कैडरों की जीत बता रहे थे। ऐसे में जब येदुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में खम ठोक रहे हैं, तो इस बात पर सबकी नजरें होंगी कि अपनी नई पार्टी को वो कितना आगे ले जा पाते हैं और क्या उनके आगे बढ़ने की राह भाजपा के राह का रोड़ा बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।